أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم viewers this is Nadeem Shaukat and you are watching Nadeem Shaukat TV thanks for watching my channel if you are new on my channel please subscribe it and press the bell icon button for new updates and please don't forget to comment like and share my video. Jazakallah. Viewers, today I will discuss how to choose sample. It is a very important topic in research. Inshallah, after this video, you will comprehend what is sampling and related terms, what are the major types of sampling, what are the main difference between probability and non-probability sampling, why sampling, characteristics of a good sample, and errors in sampling. Sample. Sample is the subset of population drawn to some conclusions denoted by a smaller n. Sample basically population ka subset hota hai. जिसको हम कंक्लूजन फाइंड आउट करने के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको स्मॉलर एन से डिनोट किया जाता है. सैंपलिंग यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच सैंपल कैन बी सिलेक्टेड. सैंपलिंग यूनिट वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिससे सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है. सैंपलिंग फ्रेम इज द लिस्ट फ्रॉम विच द पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स आर ड्रॉन. सैम्पलिंग फ्रेम वो लिस्ट होती है, वो लिस्ट प्रोवाइड करती है, वो हमें एक सिनेरियो प्रोवाइड करती है जिससे हम क्या करते हैं, अपने रिस्पोंडेंट को ड्रॉ करते हैं. लाइक टेलीफोन डायरेक्टरी, लिस्ट ऑफ फाइव स्टार होटल्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एट्सेट्रा. सैम्पलिंग स्कीम मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैम्पल यूनिट फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रेम. सैम्पलिंग स्कीम एक ऐसा तरीकाकार प्रोवाइड करते हैं जिससे हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं सैंपलिंग फ्रेम से. टाइप्स ऑफ सैंपलिंग देयर आर बेसिकली टू मेजर टाइप्स ऑफ सैंपलिंग. वन इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड अदर इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग दैट यूजेस ऑफ रैंडम सिलेक्शन सो दैट all units in the population have an equal probability of being chosen. It has following subtypes. Basically probability sampling mein all equal chances hote hain selection ke. Iske main char kisme hain. It has basically four types: simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling and cluster sampling. Basically probability sampling में equal chances of selections होते हैं sample को extract करने के, find out करने के, draw करने के. Simple random sampling it is a type of probability sampling. All subtest sets of the frame are given an equal probability. We use a random number table or use a random number generator like pulling from hat to sample subject. Simple random sample basically इसमें भी क्या होता है कि equal chances होते हैं किसी चीज़ को select करने के. इसमें हम random number table भी इसको बना लेते हैं अपने system के अंदर या जो हमारा criteria होता है उसके अंदर, और random number generators लाइक हम एक्सेल के ऊपर कोई शीट बना लेते हैं और उससे रैंडमली हम सैंपल को चूज कर लेते हैं, तो वो क्या होगा, रैंडम सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपल. सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल ऑर्डर ऑल यूनिट्स इन द सैंपलिंग फ्रेम एंड देन एवरी एंथ नंबर ऑफ ऑन द लिस्ट इज सिलेक्टेड. इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल में कि हम पहले इस अपने डाटा को ऑर्डरलाइज कर लेते हैं, ऑर्डर में ले जाते हैं, और उसके बाद हम एक स्पेसिफिक
वैल्यू असाइन कर लेते हैं. लेट्स सपोज मैं 9 करता हूँ, 10 करता हूँ, तो ईच एंड एवरी, मिसाल के तौर पर मेरे पास 100 का डाटा है, तो मैं 100 में से 3 को ले लेता हूँ या 5 का, 5, 15, 25, 35 एंड सो ऑन, 5 वाले फिगर्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. तो ये क्या है, मेरा सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पल, मतलब चूज द सैम्पल इन अ सिस्टमेटिक वे इज नोन एज सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पल. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू टू और मोर ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा. अकॉर्डिंग टू द सम क्राइटेरियन सच एज जियोग्राफिक लोकेशन, ग्रेड लेवल, एज और इनकम, एंड सब सैम्पल्स आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में बेसिकली हम हमारा जो सैम्पल है उसको हम ग्रुप्स में, पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं. वो उनके जियोग्राफिकल बैकग्राउंड की वजह से भी हो सकते हैं ग्रुप्स, उनके एज के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, उनके मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग भी होते हैं. इनको हम क्लस्टर्स में, या सॉरी क्लस्टर कह रहा हूँ, ग्रुप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और फिर उसमें से हम चूज कर लेते हैं. क्लस्टर सैम्पलिंग, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू सब ग्रुप्स क्लस्टर्स लाइक हॉर्सेस. अ सिंपल रैंडम सैम्पल इज टेकन ऑफ द सब ग्रुप्स एंड एट ऑल एंड देन ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लस्टर सेलेक्टेड आर सर्वर. क्लस्टर सैम्पलिंग में अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया या अकॉर्डिंग टू सम सेम करेक्टरिस्टिक्स हम चीज़ों को क्लस्टर्स के फॉर्म में कर लेते हैं, और फिर उससे हम सैम्पल चूज कर लेते हैं, उसको कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिस तरह हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी सैम्पल में कि ईच एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस बीइंग सिलेक्टेड फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन इज नॉट नॉन. यूनिट्स ऑफ द सैम्पल आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट और कन्वीनियंस. रिसर्चर जो होता है वो अपनी जजमेंट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैम्पल को चूज करता है, उसको कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इट हैज फॉलोइंग सब टाइप्स, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, परपोसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग. कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें रिसर्चर अपनी वो सैम्पल चूज करता है जिसमें रिसर्चर को ईजी टू एक्सेस है, मतलब जिसमें रिसर्चर को इजीली उस सैम्पल तक रसाई है, वो सैम्पल चूज कर लेते हैं, उसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग. परपोसिव सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग भी इसको कहते हैं. द रिसर्चर चूज द सैम्पल बेस्ड ऑन हाउ दे हु दे थिंक वुड बी अप्रोप्रिएट. इसमें बेसिकली रिसर्चर अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग सैम्पल को चूज कर लेते हैं कि वो समझते हैं कि ये लोग मेरी रिसर्च के स्टडी के लिए सूटेबल हैं, ये अनसूटेबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने क्राइटेरिया वो बनाया होता है उसने, और अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग बंदों को चूज कर लेते हैं, अपने रिस्पॉन्डेंट को चूज कर लेते हैं अपनी रिसर्च स्टडी के लिए, उसको कहते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग, द पॉपुलेशन इज फर्स्ट segmented into mutually exclusive subgroups based on prescribed quota regarding demographics, attitudes, behavior, etc. Researcher want to have a certain number of participants per group. Researcher basically एक खास proportion के हिसाब से individual को एक assign कर देता है group, उनकी geographical डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, एटीट्यूड की बुनियाद पर, बिहेवियर्स की बुनियाद पर, और जो उसके रिसर्च स्टडी में उसको हेल्पफुल होते हैं उसको कहते हैं कोटा सैम्पलिंग. स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, द रिसर्चर स्टार्ट विद अ की पर्सन एंड इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट वन टू बिकम अ चेन. It is useful when a population is hidden or difficult to gain access, then the researchers talk to one person from the target population. This person may lead the researchers to the next potential participant.
स्नोबॉल सैम्पलिंग बेसिकली हम तब करते हैं जब हमारी जो पॉपुलेशन में है वो हिडन होती है या हमें उस तक रिसर्च जो है वो आसानी से नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, एक बंदा बेसिकली फाइंड आउट करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट, तो वो क्या करते हैं हमें दूसरे जो उससे रेलिवेंट होते हैं क्लाइंट्स उस तक रिसाई करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक स्टडी करने जा रहा हूँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चाइल्ड, या कह लें कि मैं एक स्टडी करने जा रहा हूँ प्रोस्टिट्यूशंस के ऊपर। तो बेसिकली इस तरह की जो है वो हमारे सोसाइटी अनएक्सेप्टेबल ये बिहेवियर्स हैं, तो हमारी ईजी टू एक्सेस बिहेवियर नहीं होता है इसमें। तो क्या कहते हैं हम कोई एक फाइंड आउट करते हैं वो हमें नेक्स्ट, और इस तरह हमारा ये चेन नेटवर्क बनता है। इसको कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। वाई सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्यों करते हैं? गेट इंफॉर्मेशन अबाउट लार्ज पॉपुलेशन, लिस्ट कॉस्ट, लेस कॉस्ट होती है एज कम्पेयर टू अगर हम होल पॉपुलेशन कहें तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा होती है और इसलिए हम सैम्पल को ले लेते हैं। लेस फील्ड टाइम, हमारे पास टाइम की कमी होती है इस वजह से हम सैम्पल को ले लेते हैं और फिर उसको जनरलाइज टू होल कर लेते हैं। वैन इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन, और या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि हम होल पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते, फिर भी हम सैम्पल लेते हैं। हाई स्पीड ऑफ डाटा क्रेशन एज कम्पेयर टू कलेक्ट द डाटा ऑफ होल पॉपुलेशन, इट इज ईजी टू अस टू चूज द सैम्पल साइज एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सैम्पल। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैम्पल, अ गुड सैम्पल मस्ट हैव फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, आपका जो सैम्पल है वो पॉपुलेशन होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। अप्रोप्रिएटली साइज, द लार्जर द नंबर इज बेटर, जितना आपका सैम्पल साइज बड़ा होगा ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है रिसर्चर्स के अंदर। अनबायस्ड, रिसर्चर की बायसनेस ना हो जिसमें। रैंडम, सिलेक्शन अकर बाय चांस, सिलेक्शन अकर बाय चांस, आपकी अपनी जजमेंट ना हो, आपकी अपनी कन्वीनियंस ना हो, तो मतलब आपकी अपनी प्रायोरिटीज और अपनी बायसनेस को साइड पे रख के आप रैंडमली चूज करें तो वो भी अच्छा सैंपल कंसिडर किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कंपैरिजन, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। टाइम रिक्वायरमेंट, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। उसकी वजह यह है क्योंकि इसमें हमने जो सैंपल लेना है उस इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, मतलब हमने स्ट्रेटिफाइड बनाने हैं, क्लस्टर्स बनाने हैं, रैंडम सैंपल चूज करने हैं सिस्टमेटिक वे में, तो एज कंपेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी में तो हमने ये है कि जिधर से हमने इजीली अवेलेबल मिल गया सैंपल वो चूज कर लेना है, या कन्वीनियंट है, या जो अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ रिसर्चर्स हम चूज कर लेते हैं, तो डेफिनेटली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज लेस कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कॉस्ट पर यूनिट सैम्पल, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो ज़्यादा कॉस्ट होती है और एज कम्पेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, इसमें अनबाइस्ड होता है, उसमें बायसनेस आ जाती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बायसनेस आ जाती है अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंसी, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, इसमें बायसनेस आ जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, कंप्यूटेड विद कॉन्फिडेंस इंटरवल, जारी बात है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मेजरमेंट ऑफ द सैम्पलिंग एरर, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम स्टैटिस्टिकल मेजर की मदद से मेजर कर सकते हैं जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल को नहीं। इंफॉर्मेशन अबाउट द सैम्पल यूनिट, ईच यूनिट आइडेंटिफाइड, क्योंकि पॉपुलेशन हमें नॉन होती है इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, तो इस वजह से हमें आइडेंटिफिकेशन होती है। और इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होती है इसमें नीड मोर डिटेल अबाउट द सैम्पल रिस्पोंडेंट्स, हिज और हर ट्रेट्स और एक्टिविटीज एटसेट्रा। सैम्पल रिप्रेजेंटेटिवनेस, प्रोबेबिलिटी सैंपल जो होता है वो गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन होता है, इश्योर्ड होता है।
और एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये सस्पेक्टेबल होता है और अनडिटरमाइनेबल होता है। सैम्पलिंग स्किल रिक्वायर्ड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर को स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और इसमें एज कम्पेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेस स्किल रिक्वायर्ड। एरर्स इन सैम्पलिंग, इट इज़ बेसिकली कैटेगराइज इन टू कैटेगरीज, वन इज ऑब्जर्वेशनल एरर, सेकेंड इज नॉन ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशन एरर, इंटरव्यूअर एरर, इंट्रैक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड पर्सन बीइंग सर्वेड, बेसिकली आपका इंट्रैक्शन अच्छा नहीं होता जो रिसर्चर्स कंडक्ट कर रहा होता है, रिसर्चर्स और रिस्पॉन्डेंट उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं, तो इस वजह से भी एरर्स आ सकते हैं। रिस्पॉन्डेंट एरर, रिस्पॉन्डेंट हैव डिफिकल्ट टाइम आंसरिंग द क्वेश्चन, हो सकता है जो सैम्पल जिससे हम रिस्पॉन्डेंट है उसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके पास टाइम ना हो, या वो कंफर्टेबल ना हो, या हो सकता है उसको कोई हेल्थ इशू हो, वो प्रॉपरली अपना अटेंशन पे ना कर रहा हो, तो डेफिनेटली फिर भी ये एक एरर आ सकता है। मेजरमेंट एरर, इनएक्यूरेट रिस्पॉन्स व्हेन पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन और पोअरली वर्ड क्वेश्चन, बाज़ अवकात ऐसे भी होता है कि हम कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसा कोई स्केल बनाते हैं जो कि ऐसे पर्सन के ऊपर एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं जो कि उससे बिल्कुल इलिटरेट होता है या उसको नहीं पता होगा, या उसमें ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो डेफिनेटली फिर भी ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम जो भी क्वेश्चन है डिवेल्प करें अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ दैट रिस्पॉन्डेंट, उसको डिवेल्प करें। एरर्स इन डाटा कलेक्शंस, डाटा कलेक्शंस में एरर आ सकते हैं, हमें पता नहीं है कि मतलब हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कैसे करना है, प्राइमरी मेथड है, सेकेंडरी मेथड है, वो कौन सा करना है। डाटा कलेक्शन के ऊपर भी मेरी एक वीडियोज़ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसकी मदद से भी आपको मदद मिल सकती है कि मतलब हाउ टू कलेक्ट ए डाटा कलेक्शन डाटा। नॉन ऑब्जर्वेशनल एरर, सैम्पलिंग एरर, नेचुरली अकरेंस। कवरेज एरर, पीपल सैम्पल डू नॉट मैच द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली हम वो वाले पीपल चूज करते हैं, सैम्पल ले लेते हैं जो कि हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो फिर भी क्या है, प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ सकते हैं। अनरिप्रेजेंटेशंस, नॉन रिस्पॉन्ड, वुड नॉट और कांट पार्टिसिपेट, मतलब पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहा, तो डेफिनेटली फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है। Thanks for watching my YouTube channel, Nadeem Shokar TV. If you are new on my channel, please subscribe it, comment, like and share my videos if you like, and press the bell icon button for more interesting informative videos. Jazakallah.